नमस्ते, मेरा नाम रजत है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। ललन टॉप ने आप तक ग्राउंड से सीधी कवरेज लोकसभा इलेक्शन में पहुंचाई। इसी कड़ी में हमारी जो टीमें हैं उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में फेसबुक के साथ मिलकर वर्कशॉप की थी, जहां हमने लोगों से जानकारी साझी की कि वो फेक न्यूज़ से कैसे बच सकते हैं। इस कड़ी में हमारी टीम पहुँची थी झारखंड के धनबाद में। यहाँ दी ललन टॉप के रिपोर्टर विनय ने एक ऐसी ही वर्कशॉप की। वर्कशॉप अटेंड कर रही अंकिता को एक खबर पर शक था। वो वायरल मैसेज की सच्चाई जानना चाहती हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि चार आसान सवालों के जवाब देने पर ₹1,000 तक जीत सकते हैं। व्हाट्सएप पे एक लिंक आया हुआ है, तो उसमें बोला जा रहा है कि एक सिंपल चार क्वेश्चन है, उसका आंसर अगर आप देंगे तो फ्री 1,000 रिचार्ज पेटीएम से अगर आपके मोबाइल में हो जाएगा। दावा किया जा रहा है बस आसान से चार सवालों का जवाब दीजिए और अपने पेटीएम वॉलेट में पाएं पूरे ₹1,000 का कैश। इसके साथ एक URL शेयर किया जा रहा है, यानी एक लिंक शेयर किया जा रहा है और नीचे लिखा आ रहा है जल्दी करें, ऑफर सिर्फ आज के लिए है। सो इसके साथ जो फोटोज शेयर की जा रही हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर समय देख रहे होंगे। हमने इस दावे की पड़ताल की। हम फेक न्यूज़ से बचने के लिए हमेशा पाठकों को बताते हैं कि सबसे पहले URL पर ध्यान दें। हम खुद भी इस पर ध्यान देते हैं। इस मैसेज में दिख रहा लिंक गड़बड़ था, इसलिए हमें इस पर शुरुआत में ही शक हो गया था, लेकिन हमने इस लिंक पर क्लिक किया तो हमारा शक सही निकला। दरअसल क्लिक करने पर ये वेब पेज ही गायब मिला, यानी अब ये वेब पेज एग्जिस्ट नहीं करता, अब ये वेब पेज नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कभी पेटीएम ने ऐसी डील दी थी? तो इसका जवाब आप जान लीजिए। इसका जवाब है हाँ, पेटीएम ने कैसी डील दी थी। साल था 2018। साल 2018 में पेटीएम की वेबसाइट पर एक ऑफर चल रहा था। यहाँ ₹10 चुकाकर क्विज खेलने की एक डील आप खरीद सकते थे। इसके बाद आप क्विज खेलते हैं। वेबसाइट पर लिखा गया था कि क्विज का सही जवाब देने वाले 5 लकी विजेताओं को ₹1,000 मिलेंगे, यानी ₹1,000 का पेटीएम कैश मिलेगा। लेकिन पेटीएम की वेबसाइट पर दिखाए जा रहे ऑफर और दावा जो किया जा रहा है उसके URL में भी फर्क था। तो जो असल में दावा था उसका URL कुछ और था, जो असल में क्विज था उसका URL कुछ और था, यानी वो पेटीएम साइट उसे होस्ट कर रही थी, लेकिन जो ये मैसेज फैलाया जा रहा था उसमें जो लिंक दिया जा रहा था, जो URL था वो URL कुछ और था। सो कुल मिलाकर बात ये कि ये सही चीज़ नहीं थी। इसके अलावा एक फ़र्क और भी है क्विज में पूछे जा रहे सवालों की संख्या में। दावे में चार क्विज खेलने पर ₹1,000 मिलने की बात है, वहीं पेटीएम की वेबसाइट पर दिख रहे दावे में सिर्फ एक सवाल का सही जवाब देने पर आपको ₹1,000 मिल सकते थे, इसलिए क्योंकि वो ऑफर अब वैलिड नहीं रहा है, वो ऑफर अब खत्म हो गया है। सो अब तो आप सारा खेल समझ ही गए होंगे। पेटीएम पर चल रहे ऑफर के नाम पर एक फर्जी वेबसाइट बनाई गई और गलत जानकारी परोसकर उसका फायदा उठाने की कोशिश की गई। आप कहेंगे कि इसमें फ़ायदा क्या है, तो वो भी जान लीजिए। आप जब भी फेसबुक या किसी भी ऐसी जगह से शेयर करते हैं तो आपको एक टेम्पलेट या लिंक शेयर करवाने के लिए कहा जाता है। इससे दो फायदे हैं, एक तो उस वेबसाइट पर लोग विजिट करेंगे, फ्री में ट्रैफिक आएगा तो एड रेवेन्यू बढ़ेगा, माने पैसा कमाया जाएगा। और दूसरा फायदा, बिना कुछ किए कराए, बिना कोई असल कंटेंट जनरेट किए, बिना किसी असली ऑफर के आपका नंबर, आपकी फेसबुक की डिटेल्स उनके पास होंगी, इसे वो आगे बेचेंगे और फिर से पैसा कमाएंगे। कई बार ऐसी वेबसाइट्स आपकी अहम जानकारी भी मांगती हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग की डिटेल, क्रेडिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड का नंबर, UPI की डिटेल्स, और आगे ये जानकारी फाइनेंस कंपनी के पास पहुंच जाती हैं और वो आपसे लोन, ज़मीन या क्रेडिट कार्ड खरीदने के लिए बार बार फोन करके चरस बोते रहते हैं। साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं वो अलग हैं। अंग्रेजी में ऐसे ही ऑनलाइन फ्रॉड करने वाली वेबसाइट्स को फिशिंग वेबसाइट भी कहते हैं। आप पूछेंगे कि इनसे बच कैसे सकते हैं। सो इनसे बचने के लिए भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप अगर थोड़ा सा ख्याल रखें तो आप इससे बच सकते हैं। सबसे पहले आप URL देखिए। URL में अगर HTTPS लिखा है तब आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ S का मतलब सिक्योर से होता है। अगर किसी पर HTTP लिखा है तब आप उस पर भरोसा ना करें। दूसरी बात, अगर खबर या ऑफर किसी अच्छे प्लेटफॉर्म ने जारी किया है तो ऐसा बहुत कम होता है कि ऑफर में टाइपिंग मिस्टेक पाई जाए। सो अगर आपको लगता है कि कहीं गलत तरीके से शब्द लिखे गए हैं और अगर आपको कुछ भी उसमें गड़बड़ दिखाई देती है तो आप उस पर शक ज़रूर करें। तीसरी बात, वेबसाइट अपने काम के बारे में जानकारी देती हैं, यानी अगर कोई भी वेबसाइट है तो अपने बारे में अबाउट अस सेक्शन में या हमारे बारे में, ऐसा कोई सेक्शन उनकी वेबसाइट पर होता है, उस सेक्शन में अपने बारे में जानकारी देती हैं कि वो क्या काम करती हैं, उनका क्या प्रोसेस है।
तो कभी भी आप किसी वेबसाइट पर विजिट करें और अगर आप आपको उस वेबसाइट पर शक हो तो आप उस सेक्शन पर एक बार ज़रूर घूमाएं तो समझ जाएं कि उस वेबसाइट का काम क्या है। अगर ये नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ है। कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में नतीजा ये निकला कि ये वायरल दावा गलत है। पेटीएम पर क्विज खेलकर 1000 रुपये जीतने का ऑफर था, लेकिन वो सिर्फ 5 लकी विजेताओं के लिए था और उसका लिंक दावे में शेयर किए जा रहे लिंक जैसा नहीं था। दावे में शेयर किया जा रहा लिंक अब गायब है, वहीं पेटीएम के ऑफर वाला लिंक अब भी काम कर रहा है, हालांकि अब ऑफर खत्म हो चुका है। सो कुल मिलाकर ये कि अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आए तो आप उस पर यकीन ना करें, और अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त इस मैसेज को शेयर कर रहा है या उसके पास भी कुछ ऐसी गलत जानकारी पहुंची है तो आप इस वीडियो का लिंक उन्हें भेज सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप इसका YouTube लिंक अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं और हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें, और अगर आप इसे हमारी ऐप पर देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं की है तो इसे ज़रूर इंस्टॉल कर लें, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा जो अपडेट्स होती हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स, वो हमारी ऐप पर आपको मिलेंगी। शुक्रिया।